हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, सीजीएल मेंस कुछ दिनों में होने वाला है और ये टॉपिक ऐसा है जो एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए इसको कवर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्वालियर घराने की बात करें तो फाउंडर इसके कौन है, नाथन पीरबख्श ग्वालियर घराने के फाउंडर हैं और फेमस म्यूजिशियन जो इस घराना से बिलोंग करते हैं वो हैं कृष्णा राव शंकर पंडित और राजा भैया पुंछ वाले। नेक्स्ट घराना है हमारा आगरा घराना, जिसके फाउंडर है हाजी सुजान खान और उस्ताद घाघे खुदा बख्श, और इस घराने के फेमस म्यूजिशियन हैं खादिम हुसैन खान, फयाज खान, जोहरा भाई, भारती प्रताप, वसीम अहमद खान। नेक्स्ट चलते हैं मेवाती घराने की बात करें तो इसके फाउंडर हैं उस्ताद घाघे नज़ीर खान ऑफ जोधपुर, और इस घराने से फेमस म्यूजिशियन जो बिलोंग करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंडित जसराज, फिर कला रामनाथ, पंडित अभियंकर, पंडित अरविंद थट्टे। नेक्स्ट है किराना घराना, इसके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान और फेमस म्यूजिशियन जो इससे संबंधित हैं सवाई गंधर्व, गंगूबाई हुंगल, और ये जो गंगूबाई हुंगल हैं इनका घराना पूछा भी गया है अभी एक दो दिन पहले एमटीएस के एग्जाम में। अगर आपका अभी एग्जाम है एमटीएस का तो पीवाई के एनालिसिस तो करते होंगे ना आप लोग, उसमें ये भी पूछा गया है। फिर फिरोज दस्तूर, पंडित भीमसेन जोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो किराना घराना से संबंधित हैं, फिर सुरेश बाबू माने, अब्दुल करीम खान, हीराबाई बड़ोदकर, मनिक वर्मा और प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे इनका नाम इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इनके अलावा संहिता नंदा और सुमित्रा गुहा, ये भी एग्जाम्पल्स हैं किराना घराना से जो संबंधित हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है अतरौली घराना जयपुर का, तो इसके फाउंडर हैं अलादिया खान, फेमस म्यूजिशियन जो इससे संबंधित हैं मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, रघुनंदन पंचकर, अश्विनी भिड़े देशपांडे, संजय दीक्षित और श्रुति सदोलिकर। नेक्स्ट आता है रामपुर यूपी का सहसवन घराना, इसके फाउंडर हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान और फेमस म्यूजिशियन जो इससे संबंधित हैं निसार हुसैन खान और रसीद खान। नेक्स्ट बात करें अब पटियाला घराना की, एक इम्पॉर्टेंट घराना है, इसके फाउंडर हैं कालू मियां खान, सारंगी प्लेयर हैं ये भी याद रखना है। फिर फेमस म्यूजिशियन जो पटियाला घराना से संबंधित हैं वो हैं बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, अली बख्श खान, फतेह अली खान, रजा अली खान, बेगम अख्तर, परवीन सुल्ताना, निर्मला देवी एंड नैना देवी और अजय चक्रवर्ती, ये सभी संबंधित हैं पटियाला घराना से। नेक्स्ट आते हैं लखनऊ घराना पर, इस घराना के को फाउंडर हैं बिंदादीन महाराज और कालिका प्रसाद मिश्रा, फेमस म्यूजिशियन जो इससे रिलेटेड हैं वो हैं अचान महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन और कुमकुम धर, ये सारे रिलेटेड हैं लखनऊ घराना से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, तो अभी रिसेंटली पूछा गया है शंभू महाराज बिलोंग्स टू विच घराना, बिल्कुल अभी हमने देखा है लखनऊ घराने से संबंधित है शंभू महाराज और अभी इसी साल के एमटीएस में ये पूछा गया है। अब देखिए घराना इम्पॉर्टेंट है लेकिन अवार्ड्स उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड पूछ लेते हैं कि किस ईयर में इनको अवार्ड मिला है, तो पद्मश्री इनको 1958 में मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1967 में मिला है। गंगूबाई हुंगल रिलेटेड टू विच घराना, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी, किराना घराना हमने पीछे देखा था इससे रिलेटेड है। इनको पद्म भूषण मिला था 1971 में, पद्म विभूषण मिला है 2002 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1973 में, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1996 में दिया गया है। पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच घराना, तो ये भी किराना घराना से ही रिलेटेड हैं पंडित भीमसेन जोशी। अब ये सिंगिंग के ख्याल फॉर्म जो होता है ना, ख्याल फॉर्म के लिए फेमस हैं ये। पद्मश्री इनको मिला था 1972 में, पद्म भूषण मिला था 1985 में, पद्म विभूषण मिला है 1999 में, और भारत रत्न अवार्डी भी ये हैं। 2009 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पंडित भीमसेन जोशी, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग और किराना घराना। पंडित जसराज इज रिलेटेड टू विच घराना, तो हमने देखा था स्टार्टिंग में मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं पंडित जसराज। अब इनके अवार्ड्स देखें तो पद्मश्री इनको 1975 में मिला है, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1987 में पंडित जसराज को दिया गया था। पंडित रविशंकर बिलोंग्स टू विच घराना, इनका घराना है मैहर घराना, भारत रत्न अवार्डी भी ये हैं, 1999 में इनको मिला था, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में, और रमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में पंडित रविशंकर को दिया गया था। अब ये जो यहाँ पर बजा रहे हैं
कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सितार है, ठीक है, सितार वादक है ये। अच्छा, ये चीज़ और याद रखिएगा इनके बारे में, इनका नाम रविंद्र शंकर चौधरी भी है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। 1986 से 1999 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पंडित रविशंकर के बारे में देखिए कुछ और चीज़ें हम, तो 5 ग्रैमी अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। 1967 में बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस से इनको सम्मानित किया गया था, इनका जो सॉन्ग था वेस्ट मीट्स ईस्ट, यहूदी मेनुहिन के साथ इन्होंने गाया था, और बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए इनको अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड 1967 में। फिर 1973 में ग्रैमी अवार्ड इन्हें मिला था एल्बम ऑफ द ईयर के लिए। एल्बम कौन सी थी? द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश, जॉर्ज हैरिसन के साथ इनको ये मिला था अवार्ड। फिर 2002 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए इनको अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड, और इस म्यूजिक एल्बम का नाम क्या था? फुल सर्कल कार्नेज हॉल 2000। 2013 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम अगेन इनको मिला, द लिविंग रूम सेशन पार्ट वन के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड्स में। 55th एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो था उसमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, और रमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में मिल चुका है। अब बिस्मिल्ला खान की यहाँ पर बात करें तो शहनाई वादक हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पहचानते हैं तो देख भी रहे होंगे आप पिक्चर में। भारत रत्न इनको 2001 में मिला था, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, और पद्मश्री 1961 में। ओरिजिनल नेम इनका है कमरुद्दीन खान, बिस्मिल्ला खान का, शहनाई वादक हैं, थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन बने थे भारत के आफ्टर MS सुब्बलक्ष्मी एंड रविशंकर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनसे पहले रविशंकर और MS सुब्बलक्ष्मी इनको ही भारत रत्न मिला था, उसके बाद ये थर्ड थे, और दुमराव घराना जो है उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है बिरजू महाराज बिलोंग्स टू विच घराना, तो इनका घराना है कालका बिंदादीन घराना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको 1986 में मिल चुका है, पद्म विभूषण भी 1986 में, और कालिदास सम्मान 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभा अत्रे बिलोंग्स टू विच घराना, प्रभा अत्रे पिक्चर में देख रहे हैं किराना घराना से बिलोंग करती हैं, अभी रिसेंटली 2022 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1991 में मिला था, पद्म भूषण 2002 और पद्मश्री 1990 में इनको मिल चुका है। उस्ताद आमिर खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, उस्ताद आमिर खान का घराना है इंदौर घराना, पद्म भूषण इनको मिला था 1967 में, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था 1971 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इसी साल मिला था, और इंदौर घराना के ये फाउंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल करीम खान बिलोंग टू विच घराना, किराना घराना से ये भी संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं किराना घराना के, अब्दुल वाहिद खान और अब्दुल करीम खान दोनों ही किराना घराना के फाउंडर्स हैं। ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग घरानाज, पिक्चर में आप देख रहे हैं गिरिजा देवी हैं ये, ठुमरी सिंगर हैं और ये संबंधित है बनारस घराना से। पद्मश्री इनको मिला था 1972 में, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1977 में, और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 2010 में इनको दिया गया था। शराफत हुसैन एंड लताफत हुसैन आर रिलेटेड टू विच घराना, दोनों ही संबंधित है आगरा घराना से। शराफत हुसैन इनको तानसेन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 1983 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी 1985 में मिल चुका है, और लताफत हुसैन खान की बात करें तो आगरा घराना के ही अल्ताफ हुसैन खान थे, उन्हीं के यंगेस्ट सन है लताफत हुसैन खान। खादिम हुसैन खान रिलेटेड टू विच घराना, ये भी आगरा घराना से रिलेटेड हैं, इनको पद्म भूषण मिला था 1982 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1978 में, तानसेन सम्मान अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट, देखिए बिस्मिल्ला खान जो है शहनाई से रिलेटेड है बिल्कुल ठीक है, पंडित राम नारायण सारंगी से रिलेटेड है, उस्ताद विलायत खान सितार वादक हैं, लेकिन के वैद्यनाथन जो है ये सितार से नहीं वायलिन से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ए यहाँ पर गलत है। पंडित आनंद गोपाल बनारस घराना से रिलेटेड हैं, तबला वादक हैं। फिर फयाज खान दिनकर काकिनी और मलका जान आगरा घराना से हैं, विद्या गौरी अटकर जयपुर घराना से रिलेटेड हैं। अब ये लिस्ट एक बार देख लेते हैं आर्टिस्ट और कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक हैं, पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड हैं, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, अमजद अली खान सरोद से रिलेटेड हैं, पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं, उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं, TH विनायक राम घटम वादक हैं, और रामनाथ वी राघवन मृदंगम बजाते हैं।
और अच्छा आप ये देख लीजिए, चैनल पर ऑलरेडी ये टॉपिक्स अवेलेबल हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये रिवाइज करके जाइएगा, एक आधा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से फंस ही जाएगा, ठीक है। और अब लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है आप लोगों को, रुक्मणी अरुण डेल बिलोंग्स टू विच डांस, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर भरतनाट्यम। ये सीजीएल 2022 का पीवाईक्यू है आपका, आंसर बताएगा इसका। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।